हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज का वीडियो उन लोगों के ऊपर डेडिकेटेड है जो अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या फिर अगर उनका किसी वजह से ब्रेकअप हुआ था या किसी वजह से उनका रिश्ता ख़त्म हुआ था तो वो वापस से उस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो किस चीज़ से वो कैसे मैनिफेस्ट करके उनको अपनी लाइफ में फिर से वापस ला सकते हैं। बट ये चीज़ ट्राई करने से पहले यहाँ मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, तो वो सवाल आप अपने मन से पूछिए, देन आपको अगर आंसर मिलेगा ना तो फिर ये वीडियो आप ज़रूर ट्राई करना। पहला सवाल तो ये है कि वो आपका एक्स क्यों बना था, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि भाई अपन ने किसी से रिलेशनशिप बनाया है तो वो पहले दिन से तो आपका एक्स नहीं होगा, आपकी दोस्ती होगी। आप लोग ने फिर धीरे धीरे फीलिंग्स को फील किया होगा, देन एक दूसरे को प्रपोज़ किया होगा, देन आपका रिलेशन बिल्डअप हुआ होगा, उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां वो आपका एक्स बना या आपकी एक्स बनी। तो पहला सवाल है कि वो आपका एक्स क्यों बना। दूसरी सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से उस पर्सन ने आपको छोड़ा है तो क्या वाकई आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जिस इंसान ने आपको किसी और की वजह से छोड़ दिया है। या फिर थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए 100% श्योर हैं कि यस मुझे इनसे ही अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इनसे ही शादी करनी है, इनसे ही मुझे बात करना अच्छा लगता है, बट किसी वजह से फैमिली की इश्यूज़ की वजह से या फैमिली नहीं मान रही है तो ये चीज़ आप करें। लेकिन अगर जो सेकंड वाली सिचुएशन है कि आपका एक्स आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ के चला गया और फिर आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी आई एम रियली सॉरी, ये टेक्निक आप ट्राई ना करें। क्यों ना करें, आप मैनिफेस्ट तो आराम से कर लेंगे क्योंकि किसी भी इंसान का मैसेज या कॉल मैनिफेस्ट करना एक चुटकी का ही खेल रहता है। आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया, वो पर्सन आपके पास आ भी गया जिसने आपको चीट किया है और वो अब आपका एक्स बना है, तो वो अपने साथ साथ अपनी की हुई हरकत मींस अपनी की हुई जो सिचुएशन उसने क्रिएट की थी आपको छोड़ के जाने की, वो अपने साथ साथ वो वाली वाइब्स वो वाली एनर्जी भी लेके आएगा या लेके आएगी। तो ये मेरा सजेशन है कि काइंडली प्लीज़ ऐसे एक्स को मैनिफेस्ट ना करें जो आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ के चला गया हो। हाँ, बट फैमिली इशू हैं या फिर आप लोगों के बीच में खुद की ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और बातें रुक गई हैं, एक दो महीना हो गया हो, छः महीना हो गया हो, तब आप ये टेक्निक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप एक कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत आराम से। इस चीज़ का रिजल्ट आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, बट ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े सब्र की, थोड़ा बहुत पेशेंस की। तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए अपने अंदर और सब चीज़ यूनिवर्स पे सरेंडर करना शुरू कर दीजिए। तो चलो बात करते हैं टेक्निक कौन सी है। तो सबसे पहली जो टेक्निक आपको अपनानी है वो है आपका खुद का फ़ोन, जिस फ़ोन से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसी फ़ोन को जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा और रात को सोने से पहले आपको अपने फ़ोन को ये देखते हुए ये महसूस करना है कि उस पर्सन ने आपको फ़ोन किया है या फिर आपको मैसेज किया है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मैसेज को मैनिफेस्ट करो क्योंकि मैसेज को मैनिफेस्ट करना कॉल से भी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि व्हाट्सअप तो आजकल हर कोई चला रहा है और हर किसी के पास व्हाट्सअप है, तो आपको कोई भी मैसेज आएगा तो वो व्हाट्सअप के ज़रिए आएगा या फिर नॉर्मल टेक्स्ट जो अपने इनबॉक्स में जाते हैं वैसे में आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैसेज मैनिफेस्ट करने से कि टेक्स्ट में आएगा या व्हाट्सअप में आएगा, वो आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को देखते हुए ये चीज़ महसूस करनी है। आप किसी की भी चैट खोल लीजिए, रैंडम चैट खोल लीजिए नेट ऑफ करके, और फिर उस पर्सन का अगर आपके फ़ोन में नंबर सेव है या फिर आपको नंबर याद है तो आप उस नंबर को देखने की कोशिश करो, इमेजिन करो कि वो चीज़ टाइप हो रही है और लिख रही है कि यस आई मिस यू, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ या वापस आना चाहती हूँ। लेकिन आप आई एम सॉरी वर्ड को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़े यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आप सॉरी वर्ड किसी से भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप किसी से आई लव यू, आई मिस यू, आई नीड यू ऐसे वर्ड मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट आप आई एम सॉरी वर्ड मैनिफेस्ट किसी भी कीमत में नहीं कर सकते।
वापस चलते हैं टेक्निक की तरफ। तो आपको क्या करना है कि आपको ये इमेजिन करना है कि वो नंबर आपके व्हाट्सअप में चैट में आ चुका है, अब वो टाइपिंग कर रहा है। एंड देन उसके बाद आपको ये महसूस करना है कि आपकी जो नोटिफिकेशन बेल है वो पॉपअप हुई है। आपका फ़ोन, आपकी जो भी नोटिफिकेशन बेल होती है ना, जब मैसेज आता है किसी के फ़ोन में अलग अलग होती है, तो आपको महसूस करने की वो पॉपअप हुई है और स्क्रीन में एक नंबर आया है और उसमें लिखा है हेलो, या उसमें लिखा है हाय, या लिखा है आई वॉन्ट टू मीट यू, या आई रियली मिस यू, या क्या हम लोग फिर से दोबारा मिल सकते हैं। ऐसे कोई भी अच्छा मैसेज अपने माइंड में क्रिएट करो और ये क्रिएट करके सिंपली सो जाओ। ये टेक्निक आपको डेली रात को सोने के पहले करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आप इस टेक्निक को डेली करो, मैं आपको कह रही हूँ तकरीबन 4-5 दिन तो कंटिन्यू करो। लेकिन इस टेक्निक को जब भी आप कर रहे हैं ना, या आप कल से ट्राई कर रहे हैं या आज से ही ट्राई कर रहे हैं टेक्निक, तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ चुटकी में मैनिफेस्ट नहीं होती, अपनी एक प्रोसेस होती है। आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये करने से पहले। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये अफर्म करना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी उस पर्सन से बात होनी स्टार्ट हो गई है, हम दोनों बहुत खुश हैं। मेरी इस पर्सन की जगह आप यहाँ पे अपना पर्टिकुलर जो आपके पर्सन का नाम है वो ऐड करिए। फॉर एग्जांपल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी और आस्था की बात स्टार्ट हो गई है, हम दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, थैंक यू सो मच। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव रखो, यूनिवर्स सब करेगा। इस टेक्निक से आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत आराम से। अगर यहाँ पे मैं एक्स की बात ना करूँ तो आप किसी पुराने फ्रेंड को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने किसी भी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कई बार ज़रूरी नहीं है हर टॉपिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ऊपर हो, आप किसी कोई रिलेशन बिगड़ गया है, जैसे कभी कभी कुछ फ़ाइट हो गई फैमिली के बीच में, फैमिली बात नहीं कर रही, तो आप इस ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ के ज़रिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी का कॉल या मैसेज आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जो लोग भी कहते हैं कि मेरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, बट एक साथ मैं सारे टॉपिक तो अपलोड नहीं कर सकती ना एक दिन में, तो मुझे भी थोड़ा समय दीजिए, आपका भी टॉपिक आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो टॉपिक की डिमांड कर रहे हो उस टॉपिक का आंसर आपको मेरे किसी भी वीडियो के ज़रिए मिल सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर सुना करो, क्योंकि मेरे सारे वीडियोज़ में इतनी ईजी लैंग्वेज में मैं सिखाती हूँ कि क्या बताऊँ आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चा भी समझ जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों को अगले किसी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। सी यू सून। Subscribe to my channel. Stay happy, stay blessed.